दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह नन मुर्शिद अस्पताल वसन सेहत कार्ड नजरिए दाढ़ी इलाज मरिक नन अल्हम्दुलिल्लाह दा सेहत कार्ड नजरिए ठरा इलाज मरिक अल्हम्दुलिल्लाह नन दाड़म बाज खुशी नन मसला करा दा डॉक्टर को दाफ्ता इखलाक नन तो बाद मुसर मसलन ठका अल्हम्दुलिल्लाह दोन इखलाक वालो दाफ्ता तूलिंग बशमनिंग मरीज तो ईद करनिंग और दस्तान तारीफ़ को घन तो दाफ्ता तारीफ़ मुफक वो खन तो ज़बान अफ़ के दाफ्ता तारीफ़ के अल्लाह दाफ्ता जजा खैर अता फरमाए अल्लाह दाफ्ता दा मेहनत आते कबूल फरमाए फितना बारगा इलाइटी अल्लाह दाफ्ता मेहनत कबूल के अल्लाह मोनी दाफ्ते हिम्मत थे और मरीजा था अन मेहनत के रख। नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में, हमारे साथ एक पेशेंट हैं उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएँगे हमें कि यहाँ किस तरह से आए और किस किस हालात में अपने वाले साहब को लेकर आए। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूर अहमद। भाई क्या करते हैं आप? हम पढ़ाते हैं जी। कहाँ पढ़ाते हैं? मदरसे में पढ़ाते हैं जी। अच्छा माशाल्लाह। तो ये बताएं रिहाइश कहाँ है आपकी? हमारे ज़िले सुराब में कलात। कलात में है? अच्छा कलात से यहाँ पर आए हैं। अच्छा तो ये आपके जो पेशेंट हैं जो मरीज़ हैं कौन है आपके? ये मेरे वालिद साहब है जी। वालिद साहब है जी। कितनी उम्र है इनकी? इसकी 85 साल है। 85 साल है। तो इनको क्या मर्ज़ हुआ था जो यहाँ पर आया? उसके गुर्दों का मसला था और मैंने पहले लाया था जायद मेडिकल में अब चौकी, फिर वहाँ से उसकी तबीयत सही नहीं रही, फिर वहाँ से मुझे साथियों ने मशवरा दिया कि मुर्शिद पे लेके जाओ। नहीं उसके बाद उससे पहले कहाँ लेके गए हो? जायद के बाद फिर कहाँ लेके गए आप? जायद के बाद मैंने हलीम अस्पताल पे ले गए थे। अच्छा हलीम अस्पताल में उसके बाद फिर साथियों ने मुझे कहा मुर्शिद पे आप लेके जाओ। हाँ। तो वहाँ बेहतरी होगा इंशाल्लाह सेहत कार्ड के ज़रिए। हाँ। और सेहत कार्ड हमारे लिए एक सआदत है, बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हमने यहाँ लाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी है और बहुत बड़ी मेहनत है। अच्छा तो आप जब यहाँ पर आप लेकर आए तो यहाँ के डॉक्टर और कौन से डॉक्टर साहब ने मुलाकात की? डॉक्टर फैज साहब से मैंने मुलाकात। अच्छा, फैजान साहब से आपने मुलाकात की। तो फैजान साहब ने क्या कहा? और फैजान साहब ने फिर उसके बाद यहाँ दाखिल हो गए उसकी। हाँ, दाखिल हो गए जी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो साथी है डॉक्टर हैं हाँ। बहुत मेहनती इखलाक वाले हैं माशाल्लाह। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इलाज चल रही और बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ का डॉक्टर यहाँ का अमला वगैरह आपको कैसा लगा? खान साहब पहली मर्तबा इतनी दूर से हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की बहुत बड़ी इखलाक है और इन लोगों की बहुत और मेहनत है और ये लोग आते हैं मरीज़ को देखते हैं और इखलाक से पेश आते हैं। मैंने बहुत देखा है डॉक्टरों को, मैंने इन लोगों को मैंने देखा था, मुझे बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के इखलाक इन लोगों को उठना बैठना मैं तो खुद हैरान हूँ यार कि इस तरह के लोग और इस तरह इखलाक से उठ जाए बैठ जाए, ये तो बहुत बड़ी मेहनत है इन लोगों की। अच्छा आपके वालिद साहब का जो है सेहत कार्ड पर इलाज हो रहा है, सेहत कार्ड के बारे में आपको मालूम नहीं था, जब आपको मालूम चला तो आपको कैसा लगा? मुझे फ्री इलाज होता है यहाँ। हाँ यहाँ फ्री इलाज होता है सेहत कार्ड के ज़रिए, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने यहाँ लाया फिर दाखिल हो गए। फिर उसके बाद इन लोगों को मैंने देखा था, इन लोगों के इखलाक मैंने देखा था, मैं तो बहुत मुतासर हुआ इन लोगों के इखलाक से माशाल्लाह। क्या तारीफ़ करो, मैं तो तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह इन लोगों को जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। बस दुआ में याद रखें हमें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं, अल्लाह आप लोगों को शाद आबाद रखे। आमीन आमीन।